6 जून नू कल्लूकारा दिवस मौके ते श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हुक्मनामा जारी करके सिखां नू शांतमई ढंग दे नाल शहीदां नू याद करन ते गुरबाणी नाल जुड़न दे अपील कीती सी। पर दूजे पासे कई हिंदू ताकतां सिख कौम नू शांत नहीं रहन दिंदियां। हुण अतवाद विरोधी फ्रंट दे प्रधान ने फेसबुक दे जरिए लाइव होके पंजाब दा माहौल खराब करन वाला बयान दे दिता है। उसने 6 जून नू संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे पोस्टर फूकन की धमकी दी है अते नाल ही संत भिंडरांवालियां दे खिलाफ भद्दी शब्दावली की भी वरतों की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 34वीं वर्षी मनाई जा रही है, उस उपलक्ष्य में जगह जगह जो है कट्टरपंथियों ने और उन ताकतों ने जो पंजाब में हिंदू और सिखों को आपस में लड़वाना चाहते हैं कनेडा और यूके में बैठ के गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिस जरनैल सिंह भिंडरांवाले को संत बताया जा रहा है वो संत नहीं, एक आतंकवादी है। वो एक आतंकवादी था जो सेना की गोली से मरा, और शर्म आनी चाहिए उस आतंकवादी को और उसके बोर्ड लगाने वाले को जो दरबार साहब जैसे पवित्र हरमंदर साहब जिसके गुरु साहब ने 4 गेट बनाए थे, 4 रास्ते बनाए थे कि इसमें किसी भी जाति धर्म का आदमी जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि गुरु साहब की कितनी बड़ी सोच थी, और इस जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने अंदर जो है दरबार साहब के अंदर जो है कितना गंद फैलाया, मल मूत्र किया और हथियार लेकर गया, जबकि किसी गुरुद्वारा में हथियार ले लेना, हमारे अगर पुलिस अफसर भी जो है अगर हथियार लेकर जाए तो हथियार बाहर रखवाए जाते हैं। तो मैं 6 जून को ऐलान करता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त की तरफ से, मैं 6 जून को ना केवल इस संत जिसको संत कहते हैं ये आतंकवादी है, इसके हम हरियाणा पंजाब में इसके पुतले जलाएंगे, और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसके पोस्टर लगाए हुए हैं, इसके होर्डिंग लगाए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये ताकतें जो यूके में कनाडा में बैठ के पंजाब की देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रही हैं, मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने पीछे जब कनाडा से वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर आया था उन्होंने कहा था कि ये खालिस्तानी है, तो ये खालिस्तान की मांग करने वाले हिंदू और सिखों से प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये वो खालिस्तानी है जो यूके में बैठकर, जो कनाडा में बैठकर जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सोच पे पैरा दे रहे हैं। जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सोच पर पैरा देने वाला सिख है मैं उसको सिख नहीं मानता, उसको अकाल तख्त को ऐसे सिखों को अपनी कौम से बाहर कर देना चाहिए। ये कैसे सिख हैं जिन्होंने आतंकवादी, जिस आतंकवादी ने सरदार बेअंत सिंह को मौत के घाट उतारा, जगतार सिंह हवारा, उसको इस आतंकवादी को इन्होंने जत्थेदार बना दिया काल तक का। शर्म आनी चाहिए ऐसे कट्टरपंथियों को, शर्म आनी चाहिए यूके और कनाडा में बैठे इन आतंकवादियों को, किस तरह की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहे हैं, किस तरह की साजिश पंजाब में रच रहे हैं। दोस्तों ये कहां लिखा है कि जो आतंकवादी दरबार साहब के अंदर बढ़ के हथियार उठाए, गंदगी पाए और जिस जो गोली से मरा हो, जिसके ऊपर जो हमारे लाला जगत नारायण है जिन्होंने पंजाब केसरी की कलम को कभी झुकने नहीं दिया, उनको उनकी मौत को उनको मौत के घाट उतारने के मामले में भी इस जरनैल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जिसको आज संत बताया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ कि हर हिंदू को, हर सच्चे सिख को, जो गुरु का सिख है, जो आनंदपुर साहब के अंदर गुरु साहब ने सिख सजाया था, जो समाज की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए जो सिख प्यार किया था वो सिख हिंदुओं में बना था। पहले जो 5 प्यारे सजाए गए थे वो हिंदू थे, पहले गुरु साहब ने उनको अमृतपान कराया और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे खुद अमृतपान करके गुरु गोविंद सिंह बने आनंदपुर साहब के अंदर। वो गुरु गोविंद सिंह जी जो अन्याय के खिलाफ लड़े, अत्याचार के खिलाफ लड़े, जिनके पिता ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज ये कट्टरपंथी पाकिस्तान से मिलकर, आईएसआई से मिलकर, लश्कर ए तैयबा से मिलकर इन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पता नहीं कितनी आतंकवादी संगठन जो पंजाब में बनाई हुई है, जिन्होंने सरदार बेल सिंह को मारा और पता नहीं कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा। जो लोग जरनैल सिंह भिंडरांवाला को संत मानते हैं, वो ना तो गुरु के सिख हैं, ना मैं उनको सिख मानता हूँ। सच्चा सिख वो है जो गुरु की सोच पर पहरा दे, सच्चा सिख वो है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले। मैं पूछना चाहता हूँ देश के उन सिखों से जो गुरु साहब की सोच पर पहरा देने वाले लोग हैं, जो सच्चा सिख है। मैं हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं समझता, लेकिन हिंदू और सिखों में कट्टरपंथियों ने यूके और कनाडा में बैठकर इतना जहर खोल दिया, तभी आज कट्टरपंथी जो है यूके और कनाडा में बैठकर कुछ मुट्ठी भर सिखों को, कट्टरपंथियों को पंजाब के अंदर हवा देकर जो है खालिस्तान की मांग करते हैं। दोस्तों, देशवासियों, पंजाब वासियों, पंजाब को बचाओ। ये आतंकवादी भिंडरांवाले के पोस्टर होर्डिंग लगाकर पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। किस तरह केपीएस गिल ने, किस तरह जनरल वैद ने, जनरल अरुण वैद ने किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर, उसके बाद सरदार बेन सिंह ने, केपीएस गिल ने हाथ में AK-47 लेकर केपीएस गिल ने पंजाब को आतंकवाद से मुक्त किया। आज जिस पंजाब में आज फिर दोबारा खुशहाली है, वो खुशहाली सरदार बेन सिंह ने अपने खून से दी। वो खुशहाली इन, वो गुरु जगतार सिंह हवारा का जो गुरु का सिख मानते हैं, मैं समझता हूँ वो गुरु साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के साथ धोखा कर रहे हैं, वो दसों गुरुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या क्या सरदार बेन सिंह गुरु का सिख नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ अकाल तख्त से, मैं पूछना चाहता हूँ सिख समाज से, क्या वो गुरु साहब, क्या गुरु साहब ने ये संदेश दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ? इंदिरा गांधी, सतवंत सिंह और बेन सिंह इंदिरा गांधी के गनमैन थे। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और उस इंदिरा गांधी को उसी के गनमैनों ने, सतवंत सिंह और बेन सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। क्या ये गुरु साहब ने शिक्षा दी कि जिसको आप, जिसको बचाने के लिए आपको रखा गया है उसी को छलनी कर दो गोलियों से? मैं नहीं समझता कि गुरु साहब सतवंत सिंह और बेन सिंह को माफ करेंगे। उनको जो फांसी हुई ठीक हुई, उनको अजायब घर के अंदर, अमृतसर दरबार साहब के अजायब घर के अंदर उनके चित्र लाकर, उनको शहीद बताकर और भिंडरांवाले का जय जयकार कर दरबार साहब की गरिमा को खंडित करने का काम ये यूके और कनाडा में बैठकर कट्टरपंथी कर रहे हैं। मैं हिंदू और सिख समाज, जो गुरु साहब, मैं गुरु गोविंद सिंह की सोच पर पहरा देता हूँ, मैं गुरु तेग बहादुर की सोच पर पहरा देता हूँ, मैं उस गुरु गोविंद सिंह की सोच पर पहरा देता हूँ जिसने मुगलों से लड़ते हुए सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया, जिसने दो बच्चे अपने मैदानों में शहीद करवा दिए और दो द्वारों में चढ़वा के शहीद करवा दिए। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ हाथ जोड़कर। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्या ये वो सिख है कट्टरपंथी जो भिंडरांवाले को, सतवंत सिंह, बेन सिंह को, जगतार सिंह हवारा को, रोजेहाणा को, पुल्लर को ये शहीद बताते हैं, उनकी पैरवी करते हैं? ये टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट हिंदू समाज में भी पैदा हो सकता है जो तिलक लगाता हो, मुसलमान समाज में भी आतंकवादी पैदा हो सकता है। आतंकवादियों की कोई ना धर्म होता है ना मजहब होता है, वो सिर्फ टेरर क्रिएट करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए पैदा होते हैं। वो किसी भी धर्म और जाति में, मैं कश्मीर में मांग करता हूँ, हर रोज मांग करता है मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया कि कश्मीर में जो मुस्लिम आतंकवाद हैं इनकी डेड बॉडी इनके परिवार को ना दी जाए, क्योंकि ये मौत के घाट उतरने के बाद ये आतंकवादी कहते हैं हमें खुदा का घर मिल गया, इनको कूड़े के घेर, गंद के ढेर पर इनको मिट्टी का तेल घेर कर इनको आग लगानी चाहिए आतंकवादियों को। मैं मांग करता हूँ कि जो पंजाब के सिख पंजाब से प्यार करते हैं, जो पंजाब के सिख देश से प्यार करते हैं, हिंदुओं से प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं है, इन कट्टरपंथियों का विरोध करें, इन खालिस्तानियों का विरोध करें, सब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच पर पहरा दें और अजायब घर से, दरबार साहब से इन आतंकवादियों के चित्र हटाए जाएं और
गुरुओं की सोच पर पहरा दिया जाए। आखिरकार क्यों हिंदू ताकतां वालों 6 जून नूं घल्लूघारा दिनां दे मौके अजिहे बयान दिते जांदे ने। अजिहे बयानां तों पंजाब दा माहौल भी खराब हो सकदा है। जो अजिहे भड़काऊ बयान दिंदे ने सरकार नूं उहनां ते कारवाई करनी चाहीदी है, नहीं तां इस कारण आउण वाले दिनां विच पंजाब दा माहौल खराब हो सकदा है, जिस दी जिम्मेवारी असीं दे तौर ते सरकार अते प्रशासन दी होवेगी।